and rescue the dying. And rescue the dying. वाइट कोट सेरेमनी और वो भी निश्चर में। इस दिन से बड़ी ही नॉस्टैल्जिक सी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन आज की कहानी बेस्ट 28 N73 के नाम, कहानी उनके लिए लेकिन पर्सपेक्टिव मेरा। इस कहानी की बकायदा शुरुआत करने के लिए चलते हैं WCC से एक रात पहले। तो स्टोरी ये है कि 3 दिन से लगातार मैं घर से मुल्तान और मुल्तान से घर आ जा रहा था, क्योंकि हमने फिल्म की शूटिंग करनी थी। तो फिल्म की शूटिंग खत्म होती है कल, कल मतलब मंडे, मंडे मतलब 11 फरवरी को। अब इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी हमारे कंट्रोल में तो थी नहीं, क्योंकि इसके ऑर्डर ऊपर से आए हुए थे, लेकिन हमारे कंट्रोल में थी एफर्ट्स। और एफर्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रियलिज्म के पीछे हम लोग मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी गए। नहीं जी, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बैनर पीछे आएगा तो सीन होएगा, नहीं तो नहीं होना। ठीक है जी, चलते हैं, हमने क्या कहना है। और अब आपको करंट अपडेट देते हैं। व्हाइट कोट सेरेमनी में एग्जैक्टली 12 घंटे पड़े हैं और इस वक्त तक 4 सीन एडिट हो चुके हैं, तकरीबन 6 और पड़े हैं। शुरू करते हैं। इस वक्त रात के 1:10 पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीन्स एडिट कर लिए, बस उन्हें कंपाइल करना रह गया और थोड़ा बहुत साउंड इफेक्ट और साउंड डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद में खैर सो जाएंगे। मैंने भी टिकट भी करके सोने ताकि सुबह वहाँ सब बस ना रह जाए। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं टाइम के अगेंस्ट लड़ रहा था। सिर्फ 3 दिन थे पूरी फिल्म बनाने के लिए और 4th दिन एडिटिंग का, और एडिटिंग में पूरा दिन पूरी रात लग गई। तो स्टोरी ये है कि इस वक्त रात के 4:30 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये किसी प्रॉपर शक्ल में आई है। आपके सामने उसे एक्सपोर्ट करूँगा। अगर 4K में करेंगे तो हमें चाहिए 8 GB की स्पेस, और अगर 1080 में करेंगे तो हमारा 2 GB से भी काम चल जाएगा। तो हम 2 GB से काम चलाएंगे और एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त रात के 4:30 हो रहे हैं। मेरे लिए ये खुशी का बायस होगा कि आप लोगों की लिबर्टी बनाए, तो कम से कम आप लोग खुश हो जाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक। मैंने आज ग्रुप में भी बता दिया था, मैंने कहा प्लीज़ टॉपिक पे ना जाइएगा, हम आपके जिसको प्रेजेंटेबल हालत में बना रहे हैं तो काइंडली इंजॉय करिएगा, आपके लिए बनाई है। इस वक्त 5:15 हो रहे हैं और मेरा सामान पैक पड़ा है। हॉस्टल आ गए जी, अभी हम नाश्ता करते हैं, ऑर्डर में दे आया हूँ और फिर हम कपड़े चेंज करेंगे। 8:30 हमने पहुँचना होता ताकि हमें ऑर्गेनाइजर कार्ड मिल सकें। जज़ाकअल्लाह सर। अच्छा, पेपरों में ना यहाँ पे ग्राउंड में आके सोचते होते थे यार कब फारिग होंगे और कभी आके ग्राउंड में चलेंगे फिरेंगे। अब फारिग हुए और हॉस्टल लाइफ पे रहे हैं, जाहिर सी बात है WCC के सिलसिले में आए हैं। लेकिन यार क्या बात है, सुभान अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं थर्ड ईयर में आपको जाकर कैसा लग रहा है? वैसे मेरे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पहली दफ़ा अवार्ड में जाना नसीब हुआ है। हाँ, मैंने कल भी ये बात की थी, आज मैं कैमरे के सामने कहूँगा। अगर आपको अवार्ड के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए हो तो रब्ता कर लीजिएगा। जी जी, मैं आपको कल भी कहा था कि मैं थोड़े से बेड साइड मैसेज की ना ब्रीफिंग दे दें। जी जी, ताकि मैंने अप्लाई कर सकूँ थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, आपको मिल जाएगी, कमरे में आ जाइएगा, आपको दे दूँगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपको मैसेज करके पूछूँगा। ठीक है भाई, MBS भाई हैं, इनके साथ मामला ये है इनकी क्लास के साथ कि ये पढ़े हैं कन्वेंशनल सिस्टम से और हमारा था मॉड्यूलर, तो हम वार्ड्स में गए हैं और ये अब वार्ड्स में जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा साल होगा वार्ड्स में, मतलब दूसरा, और इनका पहला होगा। नाश्ता करने चलने फिरने के बाद मैं आ गया अपने कमरे में। अब ज़रा अपना सामान समेटते हैं, तैयारी करते हैं और चलते हैं। 7:30 हो रहे हैं, हमसे जितना को तैयार हुआ जाता हम हो गए और अब हम चलते हैं सेरेमनी पे। और साथ साथ बच्चे जा रहे होंगे, उनसे भी मिलते जाएंगे, होप्स होके जाते हुए मिल जाएँ। लेकिन टाइम 9 बजे और मैं तकरीबन 8:30 जा रहा हूँ। सर क्या हाल है, मैं जूनियर हूँ आपका N73 से। अच्छा भाई, मेरी रैगिंग नहीं करनी बाकी सारे, ये भी हैं 73 से। हेलो, उत्ती दी खैर। जब आप पाकिस्तानी ना होने का सबूत देते हुए एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए। फिलहाल पीप्स आर कमिंग, लोग आ रहे हैं।
9 बजे का टाइम था लेकिन लगता नहीं 9 बजे शुरू होगी, 10 बजे शुरू होगी। आखिरकार वाइट कोट सेरेमनी के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अलाउड किया गया कि वहाँ के बैठ सकें। मैंने अपनी फिल्म ट्रांसफर की और उसे स्क्रीन पे टेस्ट रन किया, सही है, और फिर भाइयों की कुछ वीडियो बनाई और फिर थक हार कर हम अपनी ही फिल्म देखने बैठ गए क्योंकि वाइट कोट सेरेमनी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस डिले के पीछे जो वाहिद रीजन थी ना वो ये थी कि हमारे प्रिंसिपल और वीसी नीचे टू की ओपनिंग के लिए चले गए क्योंकि सीएम पंजाब अचानक आ गए थे। फाइनली प्रिंसिपल आए तो सेरेमनी का बाकायदा आगाज हो गया। तिलावत नात उतारने के बाद हमारे डीन्स और प्रिंसिपल ने बच्चों से मुख्तसर सी बात की। इस सब के बाद वक्त आ गया शॉर्ट फिल्म का, उसके सीन्स आपके सामने। So sit back, relax and enjoy as we present to you Mitti Ka Qarz. हाँ यार ऐसे तेरे भी कितने अच्छे मार्क्स हैं माशाल्लाह। बस अल्लाह का शुक्र है यार। यार बस मैं तो अमेरिका जाने वाला हूँ। चल चाहे भी आ गया यहाँ पर भी मसा है। नामवर यहाँ तक आपने देख लिया कि फिल्म चली, कैसा रिस्पांस आया और क्या लोगों का पर्सपेक्टिव था। लेकिन कहते हैं नॉट गोना लाई एनजीएल, मुझे ज़रा बराबर भी होप नहीं थी किसी भी किस्म का रिस्पांस आएगा क्योंकि स्टोरी पर्सनली तौर पे मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन भाई जो रिस्पांस मिला वो कहते हैं ना अनबयानेबल है, अनबयानेबल, एंड इट फेल्ट टोटली सीरियल टू मी। मतलब 600 बंदा बैठ के आपकी बनाई हुई फिल्म देख रहा है और आपने बड़ी मेहनत से बनाई है भाई जान, पैसे पूरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत रह गई। फिल्म के बाद बॉयज़ और गर्ल्स के रोल नंबर 1 को पीसी और प्रिंसिपल ने वाइट कोट पहनाए। इसके बाद वो मोमेंट, वो लम्हा जिसका स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बल्कि हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, द ओथ टेकिंग। लव फॉर माय मदरलैंड एंड लॉयल्टी टू द पीपल, द वोंडेड एंड रेस्क्यू द डाइंग एंड रेस्क्यू द डाइंग विद एम्पैथी। और फाइनली ओथ टेकिंग के बाद रोटी खोल दे शफीक अहमद, रोटी नहीं रिफ्रेशमेंट खोल दे। ये पता क्यों दे रहा हूँ? तस्वीर बना, मेहनत की है तस्वीर बनाने का, ऐसे नहीं बनानी, ऐसे नहीं जी। बैठ के टिप्स दे रहे हैं सर। यार टिप्स दे रहे हैं बस, अभी तो बात कर रहे हैं अभी तो। अच्छा करें करें सर करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाज़ा वाइट कोट सेरेमनी एंडेड। भाई जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो अच्छा रिस्पांस मिला यार। भेज गए राशिद कुमार कहते आगे। हाँ भाई पहुँच गए पाकिस्तान वापस। हैड अ फ्रीकिंग बिजी डे। यहाँ पे वीडियोस कब ट्रांसफर करेगा बताएं? हाँ कर। तो यहाँ तक थी हमारी वाइट कोट सेरेमनी, उसके बाद मैं होश चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चली गई, इससे भी अच्छी जा सकती थी अगर सीएम अचानक ना आते। उनकी वजह से हमारी वीसी और सर प्रिंसिपल को जाना पड़ा, इसकी वजह से काफ़ी डिले भी हुआ शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर अप हो गया। इतना भी लेट नहीं हुआ, हमें लग रहा था कि शायद कुछ 4 बजे तक बात ना चली जाए, हम बैठे इसी बात पर परेशान भी हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। अपनी कल की शुरू हुई कहानी को हम आज ख़त्म करते हैं और आई होप कि अगर कोई जूनियर देख रहा है तो उसे कोई हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। मैंने कल मैसेज भी किया था ग्रुप में कि प्लीज़ जो बंदा कुछ भी परस्यू करना चाहता है वो ज़रूर करे। ये सिर्फ एक दायरा कार में, या आप कहें कि एक स्क्रिप्ट हमें दिया गया था, हमने उसके मुताबिक ही फिल्म बनानी थी। एनीवेज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।